इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में
ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है, डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है।